हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मजमूर में। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मेरे कॉस्मेटिक्स एंड मेकअप है उसका कलेक्शन डिटेल में। तो जब भी मैंने अपने मेकअप रिलेटेड वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो में दिखाया तो जस्ट फटाफट दिखा दिया था, एंड हाउ आई गेट रेडी वाले में भी। तो फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि आप डिटेल में दिखाओ आपके पास क्या क्या है, तो आज के वीडियो में मैं वही कवर करने वाली हूँ। और ये जो वीडियो है इनमें से किसी भी ब्रांड से स्पॉन्सर नहीं है, मैंने अपनी पसंद से चीज़ें ली है, मैक्सिमम ऑनलाइन ली है, तो मैं लिंक्स तो आपको दे ही दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास है चीज़ें सारी कॉस्मेटिक वाली। ड्रॉर्स वगैरह आपने देखे होंगे मेरे ऑर्गेनाइजेशन वाले वीडियो में, वो मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि जो है कॉस्मेटिक वो इसमें है, इसके अलावा जो बाकी सेक्शंस में है वो भी मैं लेकर आई हूँ। अब मैं आपको फटाफट एक इनका क्लोज़र लुक दे देती हूँ और कौन सी चीज़ क्या है ये भी बता देती हूँ। सबसे पहले है ये शीट मास्क। वैसे मैं आपको किसी ऑर्डर में नहीं दिखा रही हूँ, जस्ट ऐसे ही जो मैंने रखा है सामान अपने साइड में उसमें जो आ रहा है हाथ में पहले वो दिखा रही हूँ आपको। देन ये दूसरा वाला शीट मास्क है। तो शीट मास्क जो होते हैं सीरम मास्क होते हैं, आपको रखना होता है अपने फेस पर थोड़ी देर के लिए। एंड देन ये नेक्स्ट है मेकअप फिक्सर या फिर आप कह सकते हैं मेकअप सेटिंग स्प्रे। तो ये है एक मेरे पास है, इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, मैक का है। तो मेकअप करने के बाद पाउडर लगाने के बाद जो ड्राई ड्राई सा फेस कभी लगता है, ये अगर आप स्प्रे कर देंगे तो बहुत ही अच्छी ड्यूई फिनिश आएगी, हल्की सी शाइन भी आएगी, एकदम हल्की सी, एंड आपका मेकअप ज़्यादा नेचुरल लगेगा और स्टे करेगा ज़्यादा देर तक। ये है हाइलाइटर। तो हाइलाइटर को फोरहेड पे या फिर चीक्स पर, नोज पर, चिन पर यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट है ये शैडो, आई शैडो का पैलेट है। ये तो मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है बट ये बहुत अमेजिंग है, मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली वो जो गोल्डन कलर आप देख रहे हैं वही मैंने यूज़ किया है ज़्यादा। नीचे जो कॉपर के शेड्स हैं ये भी अमेजिंग है। ये दो नेल कलर्स हैं मेरे पास, ख़त्म ही नहीं हो रहे, इतने टाइम से मेरे पास हैं, पता नहीं कब से हैं। अच्छे हैं, रेट के हिसाब से बहुत ही अच्छे हैं। देन ये मस्कारा, ये मेबलिन का हाइपर कर्ल है। आई थिंक इसमें दो आते हैं, एक वाटरप्रूफ वाला और एक इजी वॉश, ऐसे कुछ नाम है उसका। तो ये वाला वाटरप्रूफ है। देन नेक्स्ट ये दो मेरे पास नेल पेंट्स हैं जो अभी आपको दो दिखाई, ये उससे भी पुरानी है, बहुत ही थोड़ी थोड़ी बची है अंदर, मैंने जस्ट शेक किया वीडियो में दिखाने से पहले। ये एक और मस्कारा है, ये मेरी फ्रेंड रश्मि लेकर आई थी यूएस से, ये भी बहुत अच्छा है पर अब ये ऑलमोस्ट डन है, इसका नंबर आ गया है, अब जाने का समय आ गया है इसका। और ये मेकअप प्राइमर है जो मेकअप के पहले लगाया जाता है, वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप लगाएं, मैं कभी लगाती हूँ कभी नहीं लगाती हूँ, ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है ये सीसी क्रीम। तो मेरे पास बीबी एंड सीसी कोई भी मैं क्रीम यूज़ कर लेती हूँ, पॉन्ड्स की या फिर लैक्मे की। देन ये लिप कलर्स है मेरे पास, एक सिनेमन क्रंच है और इसके बाद एक न्यूड शेड में है। ये मिनी लिपस्टिक है, ये मुझे पसंद आई, मतलब छोटे साइज में ले लो ताकि जल्दी ख़त्म भी ना हो तो दिक्कत नहीं। तो ये देखिए दोनों शेड्स बहुत ही न्यूट्रल टाइप के हैं, बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है ये सिंदूर। तो इसकी जो ब्रांडिंग है पूरी उड़ गई है, ये शहनाज हुसैन वाला है, एकदम ब्राइट रेड है, मुझे पसंद है। मरून मुझे पसंद नहीं है, मुझे रेड पसंद है। देन मेरे पास दो आई लाइनर्स हैं, ये फेसेस ब्रांड का है और नेक्स्ट आपको मैं दिखा रही हूँ वो लैक्मे का है। इन दोनों के पहले मेरे पास मेबलिन कोलोसल था, येलो पैकेट, येलो जिसकी पैकेजिंग होती है वो थोड़ा सा शाइनी होता है, मुझे एकदम मैट वाले आईलाइनर्स पसंद हैं और ये दो आईलाइनर्स एकदम मैट हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो वाले मैं लगाती नहीं हूँ बट एनी टाइम मुझे मैट वाले ज़्यादा पसंद हैं। देन ये एक ऑरेंज के शेड में नेल पेंट है। बाय द वे मैं नेल पेंट सिर्फ अपने टो नेल्स पर लगाती हूँ, हाथ की उंगलियों पर मैं नॉर्मली लगाती नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद क्योंकि खाना बनाना होता है और उसके बीच में वो आए मुझे अच्छा नहीं लगता, तो बहुत रेयरली मैं लगाती हूँ, लगा दी तो मैं जल्दी उसे निकाल भी देती हूँ। देन ये भी एक टाइप का हाइलाइटर ही है, इसमें दो शेड्स थे, गोल्डन एंड ये पिंकिश टाइप का, तो ये पिंकिश वाला है। आप देख रहे होंगे इतनी सारी चीज़ें हैं भाई, मैं हर बार ये सब यूज़ नहीं करती हूँ और ज़रूरी भी नहीं होता ये सब यूज़ करना। आप मेरा हाउ आई गेट रेडी वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बस है मेरे पास, मैंने बहुत टाइम के बाद चीज़ें खरीदी। ये एक फाउंडेशन है और ये अगेन एक मेकअप प्राइमर है।
तो मेकअप प्राइमर मेरी लाइफ में मैंने ये पहली बार खरीदे हैं जो आप देख रहे हैं, अभी तक ख़त्म भी नहीं हुए हैं ये वाला और इसके पहले वाला। एंड ये लूज पाउडर है, ट्रांसल्यूसेंट जो पाउडर होती है ये वो वाली है मेकअप के बाद लगाने के लिए, एंड कॉम्पैक्ट के पहले आप लगा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा आपका मेकअप स्टे करेगा। देन ये अपनी बेसिक वाली कॉम्पैक्ट पाउडर है, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी फिटमी वाली। तो जो रेगुलरली मैं रेडी होती हूँ शूट के लिए, द डेयर्स किचन और होम इन मजमूर के लिए, तब मैं बेसिकली एक सीसी या बीबी क्रीम एंड कॉम्पैक्ट लगाती हूँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो कंसीलर, आईलाइनर एंड कभी लगाती हूँ मैं काजल या कभी नहीं लगाती, एंड एक लिप कलर। लिप कलर ये देखिए पीच का शेड है, मुझे पीच पिंक ऑरेंज ये शेड्स ज़्यादा पसंद है, रेड मरून मैं ओकेजनली यूज़ करती हूँ बट हाँ मुझे पसंद है वो भी। तो ये मैं आपको कुछ शेड्स दिखा रही हूँ जो मुझे पसंद है और ये सच में अच्छे हैं। ये एक्चुअली लिप लाइनर है, इसमें साथ में शार्पनर भी आता है। मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरे फेवरेट लिप कलर्स वाले लिप लाइनर्स हैं, मैं थोड़ा सा लिप बाम लगा के इन्हें एज लिपस्टिक यानी लिप कलर यूज़ करती हूँ। देन ये कंसीलर है, इन सब के लिंक मैं आपको दे दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मतलब सबकी नहीं जो मुझे मिल गए हैं ऑनलाइन उन सबकी। देन ये नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे फेवरेट शेड्स हैं, ये छोटे हो गए हैं क्योंकि जब मैं ऑफिस जा रही थी तब से मैं इन्हें यूज़ कर रही थी, ये तीनों मुझे बहुत पसंद है। एक पिंक है, एक पीच है, एक ऑरेंज है। ये लेफ्ट मोस्ट है ऑरेंज, बीच वाला है पीच एंड एकदम राइट वाला है पिंक। एंड अनफॉर्चुनेटली ये एग्जैक्ट जो तीनों शेड्स हैं ये फिलहाल अनअवेलेबल है, मुझे मिले नहीं, बट सिमिलर वाले मैंने दिए हैं। ये फेसेस की लिपस्टिक है, एज ए लिप क्रेयॉन है, लिपस्टिक ही है। तो ये है मिडनाइट रोज शेड में, ये मैंने अपने दिवाली वाले वीडियो में यूज़ की थी, बहुत अच्छी लगती है बट हाँ ओकेजनल त्यौहार के समय ठीक है। एंड ये है एकदम ब्राइट रेड कलर की, मैं हमेशा वो परफेक्ट ब्राइट रेड ढूंढती थी और मुझे वो मिल गया है। और इन दोनों के साथ ये शार्पनर यूज़ होता है बट इन दोनों में से एक के साथ मुझे ये फ्री मिला था, अलग से शायद आता भी होगा। एंड ये तो मेरे पास काजल है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरे पास मेबेलिन कोलोसल है, मुझे लैक्मे का आइकॉनिक ट्राई करना है, अब मैंने ले लिया है। दोनों को मैं साइड बाय साइड आपको चला कर दिखाती हूँ, तो मैंने एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ टाइम्स दोनों को भी घिसा है ताकि कंपैरिजन सही मायने में सेम तरीके से हो सके। दोनों के दोनों अच्छे डार्क हैं और स्टे भी दोनों का ही अच्छा है, तो मैं एक चूज नहीं कर सकती। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको एकदम सिंपल सा मेकअप ट्यूटोरियल देखना है, एक्चुअली मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है, इट्स जस्ट हाउ आई गेट रेडी फॉर माई शूट। ये एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, एकदम बेसिक वाला है जो मैं शूट्स के टाइम पे रेडी होती हूँ उसके बारे में। तो मैंने उस वीडियो की भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में दे दी है, आप चेक कर सकते हैं। एंड जो भी आज मैंने प्रोडक्ट्स दिखाए हैं आपको, उनमें से जो जो ऑनलाइन अवेलेबल है मैंने ऑनलाइन ली है, क्योंकि कुछ कुछ अब आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, जो है उनकी लिंक्स मैंने आपको दे दी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फर्स्ट कमेंट में ही, आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।